नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हाँ, केवल 14 गेंदों पर अर्धशतक लगाया जायसवाल ने सहवाग के अंदाज में छक्का लगाकर शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल की बड़ी चर्चा हो रही है। पहले टेस्ट मैच में भी इस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की थी, शानदार तरीके से खेलकर अपना जज्बा दिखाया था। लेकिन जो कारनामा यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट मैच में नहीं कर पाए थे, वो कारनामा जायसवाल ने कर दिया। और ना केवल कारनामा किया बल्कि वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी। और वो कारनामा कर दिया जिस खिलाड़ी को अंग्रेज अपना सबसे बड़ा हीरो समझ रहे थे, जायसवाल के आगे वो खिलाड़ी जीरो नजर आया। यशस्वी जायसवाल ने उस गेंदबाज की जमकर धुनाई करी। सबसे पहले आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने 151 गेंदों पर 101 रन बनाए, मतलब शतक पूरा किया। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार से टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल ने बल्लेबाजी की। 11 चौके लगाए, 3 छक्के अपने शतक तक पहुंचने में यशस्वी जायसवाल ने लगाए। और बड़ी बात यह थी कि हार्डली जो गेंदबाज इंग्लैंड का सबसे बड़ा हीरो था, पहली पारी में इंग्लैंड के लिए शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी, उस गेंदबाज की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का लगाया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जायसवाल क्या सोच समझ कर आज आए थे, किस अंदाज में जायसवाल ने आज बल्लेबाजी की। और 11 चौके 11 चौक 44 और 3 छक्के 18, मतलब लगभग 14 गेंदों पर जायसवाल ने 62 रन बना दिए थे। मतलब टेस्ट क्रिकेट को यशस्वी जायसवाल ने T20 बना दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है जिसे हमेशा क्रिकेट फैंस याद रखेंगे, जायसवाल को चाहने वाले याद रखेंगे, कि वीरेंद्र सहवाग जिस अंदाज में शतक लगाया करते थे, याद होगा आपको पाकिस्तान के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में जिस अंदाज में शोएब अख्तर की गेंदों पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया था, आज वही अंदाज यशस्वी जायसवाल ने भी दिखाया है। उसी तरीके से यशस्वी जायसवाल ने भी बल्लेबाजी की है, उसी तरीके से जायसवाल ने भी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया है। जाहिर तौर पर टीम इंडिया को शतक की जरूरत थी, यशस्वी जायसवाल को इस शतक की जरूरत थी। और इस शतक के दम पर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अब मजबूत हालत में पहुंच गई है। अब टीम इंडिया शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस टेस्ट मैच में अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल 90 रन पर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, शतक की उम्मीद थी। लेकिन दूसरे मैच में जायसवाल ने वो कमी पूरी कर दी। आपका जायसवाल के शतक पर क्या कहना है, और छक्का लगाकर जिस अंदाज में जायसवाल ने शतक लगाया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।